हिंद लिमिटेड ने एक मशीन अमेरिका से आयात की जिसका मूल्य $26,000 था। हिंद लिमिटेड इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम अमेरिका एट अ प्राइस ऑफ $26,000। डॉलर्स पे चल रहा है प्राइस, तो मैं यहाँ पे यूरो का कर दूंगी डॉलर्स। आगे देखो, पैकिंग कॉस्ट दिया है, भारतीय बंदरगाह तक परिवहन व ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू इंडियन पोर्ट, फिर क्या दिया है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस दिया है, फिर फोर्थ पॉइंट में देखो फिर से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया है फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री। अब देखो दो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, एक सेकंड है और एक फोर्थ है, कौन सा वाला आएगा बताओ? चितेश को छोड़ के और संजू, मैम सेकंड। मैं बोली ना चितेश और संजू को छोड़ के कोई और अप्लाई करेगा, बताओ? पूनम, नेहा, कौन सा वाला आएगा बताओ, सेकंड वाला आएगा कि फोर्थ वाला आएगा? परचेज प्राइस ऑफ गुड्स एंटर करो $26,000, फिर कमीशन लेना है 5%, तो $26,000 का 5% निकालो कमीशन, $1,300 हुए के? यस मैम। नेक्स्ट है पैकेजिंग, पैकेजिंग देखो कितना दिया है, $900। सिर्फ प्रोफॉर्मा याद करना है, उसमें जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करनी है। फिर देखो भारतीय बंदरगाह तक परिवहन व्यय 1350, तो ये सिक्स पॉइंट में लिख रही हूँ 1350। लाइन से देखते जाना, जो जिसमें फिट बैठे उसमें एंट्री करते जानी है अपने को। डिजाइन एवं विकास कितना आया ये 4100 यहाँ पे, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। फिर फोर्थ वाला पॉइंट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिया के पोर्ट में आने के बाद फैक्ट्री गया है, तो ये नहीं आएगा। बीमा प्रीमियम देखो इंडियन रुपीस में दिया है, तो आप लोग इंडियन अमाउंट वाले कॉलम में लिखना 17500। नेक्स्ट देखो कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट गया है, सब इंक्लूड हो गए मेरे ख्याल से, तो टोटल करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ का टोटल करो। कितना आया टोटल बताओ, 26,000, 1300, 900 और 32,300। सबका यही आ रहा है? यस मैम। हाँ अब नेक्स्ट देखो, इसमें इसको कन्वर्ट करो इंडियन रुपीस में, 8 पॉइंट देखो, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय बोर्ड, एक सेकंड, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय बोर्ड, बोर्ड वाला लेंगे 60, कितना आया बताओ? 1938000, 1938000, सबका यही आ रहा है? यस मैम। फिर 1350 को मल्टीप्लाई करो 60 से, जल्दी इसको कन्वर्ट करते जाओ इंडियन में। 81,000 आया। फिर उसमें इंश्योरेंस ऐड करो, आएगा अमाउंट 2036500। ये आ गया आप लोग 20% से कंपेयर नहीं करेंगे एफओबी के, क्योंकि बाय एयर लिखा है क्या कहीं पे? नहीं लिखा है तो कंपेयर नहीं करेंगे। अगर बाय एयर लिखा रहता हवाई जहाज से तब कंपेयर करते हैं, अगर ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया है तो क्यों करेंगे कंपेयर बताओ? भूल गए कॉन्सेप्ट? देखो कहीं पे भी नहीं लिखा है बाय एयर या हवाई जहाज से आया है, लिखा है कहीं पे बताओ? देखो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि बाय एयर आया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, न सेकंड पॉइंट न फोर्थ पॉइंट, इंडियन पोर्ट लिखा है, पोर्ट में एयरपोर्ट भी हो सकता है, सी पोर्ट भी हो सकता है।
क्लियर है? बताओ पोर्ट वाले में किसी को डाउट है कि क्यों लिया और क्यों नहीं लिया? अरे रिस्पॉन्ड करो। यस मैम, समझ में आ गया। क्लियर है? किसी को डाउट है? देखो सीआईएफ हो गया, यही अपना क्या हो जाएगा, एसेसेबल वैल्यू 2036500। लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं शायद ये CIF का बता नहीं पाई थी या FOB का। तो CIF में, CIF क्या होता है इसका फुल फॉर्म लिख लो, कॉस्ट विथ इंश्योरेंस एंड फ्राइट। दिख रहा है सबको कॉस्ट विद इंश्योरेंस एंड प्रॉफिट? देखो कैलकुलेशन बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना दिया है? देखो मूल सीमा शुल्क की दर 10%, तो एसेसिबल वैल्यू का 10% लेंगे आप लोग। 2036500 का 10% कितना होगा? 2036500। सेकेंड इसमें नोट करो सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं दिया है तो कितना लेंगे? सामाजिक ए का यानी फर्स्ट का 2036500 का 10%, 2036500 आएगा। फिर थर्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी ऐड करो। आईजीएसटी किस पे लगेगा? एसेसिबल वैल्यू के अमाउंट पर 2036500 में प्लस करेंगे 2036500, फिर प्लस 2036500, तीनों का टोटल करेंगे और उसका कितना परसेंट देंगे? 18%। बताओ कितना आया? 406893। इसका कितना परसेंट निकाला? अच्छा ये टैक्स आया आप लोगों का 18%। माइक म्यूट करो। म्यूट करो ना माइक म्यूट करो।
अमन माइक म्यूट करो। फोर जीरो सिक्स एट नाइन थ्री टोटल करो तीनों का, सिक्स थ्री जीरो नाइन जीरो एट टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। किसी को डाउट है यहाँ पे? I'm second point. क्या है सेकेंड पॉइंट में बताओ, क्या डाउट है पूछो ना। क्या मतलब 10% क्यों लिया कि अमाउंट कैसे आया, क्या डाउट है बोलो। यस मैम। देखो सोशल वेलफेयर सरचार्ज दे, मैम 10% क्यों लिए, वही बोल रही हूँ, सरचार्ज है मतलब अधिभार। क्वेश्चन में यहाँ दे या नहीं दे, फिर भी हमको लेना है, और वो भी कितना 10%, किसका, बेसिक कस्टम ड्यूटी का, हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन में दिया है तो भी 10% और नहीं दिया है तो भी 10%, हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो अमाउंट आएगा उसका 10% लेते हैं सरचार्ज। क्लियर है? अब लिख लो कहीं पे, जैसे दिया रहेगा तो भी 10% ही लगाएंगे। दिया रहेगा 10% ही दिया रहता है, अगर कभी 12 दे दे तो 12 लगा लेना, बट देना वैसे वो 10% है, नहीं दे तो 10%, लेकिन लगाना कंपलसरी है। और पूछो कोई डाउट। मैम कमीशन में क्या लिखा रहेगा मैम, तो उसको नहीं इंक्लूड करेंगे अपन। बाइंग कमीशन मैम, बाइंग कमीशन उसके अलावा मैम और नहीं, बाकी सब लेंगे। जैसे कि इन इंडिया का देता है तो मैम, जैसे कि इन इंडिया अगर ऐसा आया तो लेंगे ना, अभी भी तो इन इंडिया में ही। यस मैम, अभी भी देखो क्वेश्चन में इन इंडिया ही लिखा है ना। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया है यहाँ पे भी, फिर भी लिया ना हमने 17,500। मैम इलस्ट्रेशन 4 एक बार बताओगे क्या? एग्जांपल 4, हाँ पूछो। उसमें ना मैम जो इसमें दिया मैम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया, मैम उसको नहीं लिया है मैम, तो उसमें दो इंश्योरेंस दिया होगा बेटा। मैं एक ही है मैम, उसमें उसको 1.125 निकाल के लिया है मैम। कहाँ है इलस्ट्रेशन 4 पे, वही तो लिया है बेटा 500 यूरोस। देखो इलस्ट्रेशन 4 में वही तो लिया है 500 यूरोस। यस यस मैम समझ में आ गया, लिया है ना, वही लिया है देखो 500 है ना। और किसी ने लिया, और किसी ने सॉल्व किए घर में क्वेश्चंस करो, अगर नहीं किए सॉल्व तो जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि लास्ट चांस है। सारे प्रैक्टिकल बना लो, टाइम कितना लगता है बेटा प्रैक्टिकल बनाने में, एक फॉर्मेट बनाया और बाजू में जल्दी जल्दी अमाउंट यूरोज लेते गए और जल्दी जल्दी कन्वर्ट करते गए। कोई देखो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, कोई अकाउंट्स के रूल्स नहीं है तुम्हारे पास, ना डेबिट का है ना क्रेडिट का है जैसे लास्ट ईयर तक रहता था, सिंपल स्टेटमेंट बनाना है उसमें। अगर अमाउंट आगे पीछे भी ऐड कर दिया तो भी चलेगा, तो सारे प्रैक्टिकल्स बना के रखने हैं।